तो फिर आया देवस्थानम बोर्ड का जिन बाहर, बाहर आ गया फिर से देवस्थानम बोर्ड, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान से अब बखेड़ा खड़ा हुआ है। देवस्थानम बोर्ड, वही बोर्ड जिसे भंग किया गया था, जिस पर सवाल उठे थे और कहा यह गया था कि देवस्थानम बोर्ड गठित करने पर ही त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी गई, और अब उसी बोर्ड को जो भंग किया गया था उसको लेकर तर्क दिया गया है, तर्क त्रिवेंद्र सिंह रावत का, पूर्व मुख्यमंत्री का। हाल ही में याद होगा आपको कि जिला विकास प्राधिकरण के बयान के बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सुर्खियों में थे, जो कि उन्होंने इंडिया वॉइस को एक्सक्लूसिव वो बयान दिया था और पूरे उत्तराखंड में उस पर बवाल हुआ। अब जिक्र देवस्थानम बोर्ड का कर रहे हैं, अब उसको लेकर प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान अब बीजेपी के लिए नया चिंता का सबब बन गया है, और ऊपर से पुरोहित, तीर्थ पुरोहित, वो भी नाराज हो गए। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे, और सवाल यही होगा कि आखिर त्रिवेंद्र बार बार इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं जिससे सरकार खुद असहज हो रही है। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। तो 125 करोड़ की इनकम, और केवल बद्रीनाथ जी से जो हमको इन चार धामों से जो हमको आय प्राप्त हो, उसी से जोशीमठ को पुनर्स्थापित किया जा सकता, पैसे के लिए भटकना नहीं पड़ता। तो ये कुछ दूरगामी सोच के साथ कुछ निर्णय। तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र के इस बयान के बाद एक बार फिर बाहर आया देवस्थानम बोर्ड का जिन। जी, जिला विकास प्राधिकरण के बाद देवस्थानम बोर्ड को लेकर त्रिवेंद्र ने अपनी बात को रखते हुए उस फैसले को जायज ठहराने की कोशिश की जो फैसला उनकी सरकार के वक्त लिया गया था। जैसे ही त्रिवेंद्र ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर लिए गए फैसले को जायज बताया, वैसे ही दंगल शुरू हो गया। आज देवस्थानम बोर्ड होता तो 125 करोड़ की इनकम होती, और केवल बद्रीनाथ जी के से जो हमको इन चार धामों से जो हमको आय प्राप्त होती, उसी से जोशीमठ को पुनर्स्थापित किया जा सकता था। हमको पैसे के लिए भटकना नहीं पड़ता। तो ये कुछ दूरगामी सोच के साथ कुछ निर्णय होते हैं। यहाँ त्रिवेंद्र अपने फैसले को जायज ठहरा रहे थे, वहीं पुरोहित त्रिवेंद्र के बयान पर गुस्से का इजहार कर रहे थे। लगे हाथ कांग्रेस ने भी कटाक्ष कर सवाल पूछ लिया कि जब बोर्ड भंग हुआ तो फिर ऐसे वक्त में उसकी याद दिलाकर त्रिवेंद्र क्या साबित करना चाहते हैं। तो वहीं बीजेपी एक बार फिर से अपने ही पूर्व मुखिया के दिए गए बयान को लेकर असहज दिखाई दे रही है। देवस्थानम बोर्ड गठित होने से वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाता, वो अधिकारियों का एक तरह से सैर सपाटे का एक पिकनिक स्पॉट बन जाता, और हक हकूकधारियों का हक मारने का आपको कोई अधिकार नहीं था। एक पौराणिक काल से कोई प्रथा चली आ रही है, सब कुछ बदल देने की चाह में या इतिहास पुरुष बन जाने की चाह में मुझे लगता है कि भाजपा के नेताओं को इन सारे कदमों से गुरेज करना चाहिए। जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, वो हमारी धरोहर है, इसलिए उसके साथ छेड़छाड़ तो नाकाबिले बर्दाश्त पहले भी थी और आज भी है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो बयान आया है वह उनकी निजी राय है और उन्होंने अपनी बात को रखा है। जहाँ तक धरातल की सच्चाई है तो वर्तमान में देवस्थानम बोर्ड नहीं है, और जोशीमठ के पुनर्वास के लिए, वहाँ राहत के लिए, बचाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, और साथ ही हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है, और केंद्र के द्वारा भी राज्य सरकार की पूरी मदद की जा रही है। देवस्थानम बोर्ड का 2020 में गठन हुआ, तब किया गया था जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे। इस बोर्ड के गठन के जरिए 51 मंदिरों का नियंत्रण राज्य सरकार के पास आ गया था,
उत्तराखंड में केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ चार धाम हैं। इन चारों धामों का नियंत्रण भी सरकार के पास आ गया था। तब से ही तीर्थ पुरोहित इस फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए थे। इसके बाद जब पुष्कर सिंह धामी सीएम बने तो तीर्थ पुरोहितों की मांग पर एक कमेटी का गठन किया गया और फिर 30 नवंबर 2021 को इस बोर्ड को भंग कर दिया गया। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला सही था या फिर नहीं, सवाल ये नहीं। सवाल ये है कि त्रिवेंद्र बार बार लगातार अपने ही बयानों से अपने ही सरकार का सिरदर्द बढ़ाने का काम क्यों कर रहे हैं। अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। चलिए सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विपिन कैंथोला साहब जुड़ गए हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और उमा सिसोदिया जी जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का ऐसा होंगे। लेकिन विपिन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। देवस्थानम बोर्ड भंग हुआ, भंग होने को लेकर तमाम तरह के बवाल हुए, सवाल हुए। आज त्रिवेंद्र जी जो बात कह रहे हैं कि अगर देवस्थानम बोर्ड होता तो जोशीमठ बसाने के लिए इतनी दिक्कत ना होती, सही कह रहे हैं? देवस्थानम बोर्ड भंग किया गया, देवस्थानम बोर्ड को क्यों भंग किया गया, ये सारे प्रदेश की जनता भी जानती है और तमाम लोगों ने देखा भी है। देवस्थानम बोर्ड हमारी सरकार ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया था, उन्होंने कुछ चीजों को लेकर के फैसला लिया था, उसका विरोध हुआ, जन भावनाएं थी, हमने कमेटी बनाई, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई, हमारी सरकार ने कमेटी बनाई। विपिन जी, वो सब मैं दिखा रहा हूँ, मैंने पूछा त्रिवेंद्र जी जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं गलत? अब अपना मत दिया कमेटी ने, और हम देखिए तिलक भाई, हमारी सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और प्रचंड बहुमत की सरकार है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जनता की जनभावनाओं को स्वीकार करना, जनता की जनभावनाओं के अनुसार भी काम करना। तो जनता की जनभावनाएं थी कि इसको देवस्थानम बोर्ड को नहीं रहना चाहिए, तो हमारी सरकार। विपिन जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपने जनभावनाओं का सम्मान किया, देवस्थानम बोर्ड को भंग किया, लेकिन त्रिवेंद्र जी जो बात कह रहे हैं कि नया जोशीमठ बस जाता हमें देखना नहीं पड़ता इधर उधर, मानते हैं ना आप कि नहीं? देखिए, डबल इंजन की सरकार है, हमने तो जब भी 2017 में या 22 में हमारी सरकार ने एक ही नाम पर वोट मांगे थे कि डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रही है। त्रिवेंद्र जी सही कह रहे हैं या गलत, आप घुमा रहे हैं विपिन जी मुझे? हमारे साथ है, और त्रिवेंद्र जी का देखिए, मैंने कहा ना त्रिवेंद्र जी अपनी राय रख सकते हैं, उनकी भी राय, उनका सोचना क्या है, पार्टी का सोचना क्या है, सरकार की सोचना क्या है। अच्छा, मतलब निजी राय वो रोजाना रखते हैं आजकल, उनकी उनकी परिस्थितियाँ, हमारी सरकार की सबकी परिस्थितियाँ क्या थी, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री का बयान कोई मायने नहीं रखता। देखिए, वो अपनी राय दे सकते हैं, उनको अपनी राय देने का स्वतंत्र है, वो अपनी राय वो हमको भी दे, सरकार को भी दे सकते हैं, संगठन को भी दे सकते हैं, उनकी उनकी जो निजी राय वो अपनी निजी राय को भी। सर, जिला विकास प्राधिकरण को लेकर जो बात कह रहे थे वो भी उनकी निजी राय थी कि किसी और को सत्ता, मैंने सत्ता ऐसे व्यक्तियों के हाथ में आ जाती जो उस काबिल नहीं होते। ये साहब हिटलर साहिब की सरकार नहीं है तिलक भाई, ये इंदिरा गांधी की सरकार नहीं कि 1983 में जब इमरजेंसी लगा दी। हम कंफर्ट जोन के अनुसार काम करते हैं जनता के लिए, जनता के कंफर्ट जोन के अनुसार, और जनता जब जब हमसे जो डिमांड करेगी हम उस अनुसार काम करेंगे। उमा जी, क्योंकि हमारी कोई हिटलर साहिब की सरकार नहीं, हमें ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की निजी राय है, विपिन कैंथोला और बीजेपी यही कह रही है, कह रही है कि इसको ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, ये उनकी निजी राय है, लेकिन इस बयान के मायने देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की स्थिति इस समय बहुत अजीबोगरीब स्थिति में है। पिछले 2-3 साल से जब से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया वो बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास संगठन में कोई पद नहीं है, उनको टिकट भी नहीं दिया गया, और उनको मुझे लगता है कि निकट भविष्य में भी उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, तो इसलिए वो बेचारे बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं। एक मिनट, करेक्ट फैक्ट्स करेक्ट होने चाहिए, टिकट नहीं दिया गया, चुनाव लड़ने से मना कर दिया, दोनों अलग अलग बातें होती है, है ना? देखिए, उनको ये उम्मीद थी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी शायद उन्हें सेंटर में कहीं ले जाए, जैसा हम और आप भी यही कयास लगा रहे थे कि त्रिवेंद्र जी का हो सकता है प्रमोशन हो, लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी की स्थिति में आज वो बीजेपी में अपने आप को महसूस करते हैं, तो वो अपने आप को लाइमलाइट में बनाए रखने के लिए हरीश रावत जी की तरह ही कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं कि ताकि लोग उनको भूल ना जाए, जनता उनको भूल ना जाए, मीडिया उनको भूल ना जाए, तो इसी तरह के ये बयान है। देखिए, त्रिवेंद्र जी खुद देवस्थानम बोर्ड लेकर आए,
विरोध हुआ, खुद उन्होंने उस देवस्थान बोर्ड को भंग किया, तो आज वो इस बात को कैसे कह सकते हैं सबके सामने कि भाई देवस्थान बोर्ड होता तो अच्छा होता, आपने खुद बना आपने क्यों खुद अगर वो किया? किसी फैसले को लेकर अड़िग थे, आज वो कह रहे हैं कि ये होता तो जायज था, वो यही बात तो कह रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है तो फिर आपको भंग क्यों किया? आपको नहीं करना चाहिए था, आपको इस्तीफा लेके खड़ा हो जाना चाहिए था कि मैंने जो किया मैं गर्दन कटा दूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये फैसला सही है। या अगर वो अपने फैसले पर इतना ज्यादा भरोसा था कि मैं विपिन जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये चीज है। अगर देखिए उन्होंने खुद बनाया, खुद उन्होंने उसको भंग कर दिया। नहीं, नहीं, भंग उन्होंने नहीं किया, भंग उन्होंने नहीं किया, मैं कह रहा हूँ फिर फैक्ट्स, कमेटी गठित हुई और धामी सरकार में बकायदा उसे भंग किया गया। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब बीजेपी सरकार ने भंग किया, त्रिवेंद्र रावत जी उसका उतना मुखर विरोध नहीं कर पाए उसके भंग होने का। ओके विपिन कैंथोला जी, वो ये कह रहे हैं कि ये टीस दरअसल कुछ और है जो बार बार निकलकर बाहर आ रही है, ये टीस कुछ और है, ताकि विपिन कैंथोला जी भूले नहीं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी कोई नेता है। उमा जी ये बता रही है। तिलक भाई देखिए, त्रिवेंद्र रावत जी हमारे नेता हैं, उत्तराखंड के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कोई भूलने भालने की बात नहीं है। उन्होंने खुद ही कहा था कि वो आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, उनको उन्होंने अपने अपने फैसले से अवगत कराया पार्टी में, तो पार्टी ने किसी और को दिया और उस पर भी जो प्रत्याशी चुनाव लड़े उन्हें। अरे सुन लीजिए, मैं बीच में बोला आपके आपकी बात नहीं सुनी मैंने, सुनिए अरे भाई आपने शराब पॉलिसी बना दी दिल्ली के अंदर, जनता की जनता ने विरोध किया, क्यों वापस लिया भाई, क्यों लिया आप बताइए? केजरीवाल ने वापस लिया, नहीं लिया उस फैसले को? तो केजरीवाल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की क्या होती है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की तरह जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं आप लोगों ने। एक मिनट उमा जी प्लीज, ऑडियो नीचे। अच्छा विपिन जी, अब मुझे बताइए, आप ये कह रहे कि फैसला था वापिस ले लिया, जनभावनाओं का सम्मान था, तो फिर त्रिवेंद्र जी पुराने जख्मों को क्यों कुरेद रहे हैं, इसके पीछे मंशा और मकसद क्या है उनका? देखिए तिलक भाई, मैं इनके बीच में नहीं बोला, अगर जो इस प्रकार डिबेट करेंगे तो फिर मैं अभी ऐसे ही करूंगा। और अपनी बात पर तो ये भूल जाते हैं, इन्होंने जन भावनाओं के अनुसार लिया कि कैसे लिया, भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर रही दिल्ली के अंदर, आपने देखा तिलक भाई, तब जाकर के इन्होंने फैसले वापस लिए। और हमारे को हम जन भावनाओं का सम्मान करने वाले लोग है भाई, हम अड़ने वाले लोग नहीं है। त्रिवेंद्र जी ने किस बात पर किन परिस्थितियों में क्या कहा है, इस पर त्रिवेंद्र जी ही उस पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं, त्रिवेंद्र जी बता सकते हैं कि क्या है क्या। अरे त्रिवेंद्र जी बताएंगे कि क्या क्यों दिया उन्होंने, उनकी निजी राय हो सकती है, वो सरकार को भी अपनी राय देते हैं, निजी राय बार बार क्यों सामने आ रही है, जो आप लोगों को ये कहना पड़े कि ये उनकी निजी राय है। जब 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 सुनिए तिलक भाई, जब जब आवश्यकता होती है पार्टी उनसे भी राय लेती है, ऐसा नहीं है कि पार्टी उनसे राय नहीं लेती है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, आप राय लेती है, आप तो हरक सिंह रावत से भी राय लेती है, आप तो जब हरक सिंह रावत से भी राय लेते थे सर, सब मालूम है मुझे, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो आप बता रहे हो निजी राय है, ये बार बार निजी राय क्यों देने की नौबत आ रही है, और जिस पर आप लोग सफाई दे रहे हैं। अब देखिए, मैंने कहा ना कि क्या परिस्थितियां हैं, क्या बयान है, किस प्रकार से परोसा टीवी में लाया जाते हैं, सब लोग जानते हैं। ओहो, निजी राय हो सकती है त्रिवेंद्र? अच्छा, आप मुझे ये कह रहे हैं, ना, आप मुझे ये कह रहे हैं कि जो इंडिया वॉइस पर उन्होंने ये बयान दिया था जिसके बाद बवाल हुआ, हमने उनसे कहा तो उन्होंने वो बयान दे दिया, आप ये कह रहे हैं विपिन जी? आप पूरा बयान सुनूंगा, पूरा बयान सुना नहीं मैंने कि उन्होंने बोला क्या। चलिए ठीक है, मैं आपको सुनाऊंगा, आपको बयान सुनाऊंगा। मैं प्रवक्ता हूँ, मुझे पता है कि जितनी मतलब की लाइन होती थी भाई, आप उतनी चलाते हैं। अच्छा विपिन जी, हम वो वाले नहीं है सर, हम वो वाले होते तो फिर दिक्कत कुछ और होती, हम वो वाले है नहीं सर। शीशपाल विश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है।
हाँ बिस्ट्री, सुना आपने कि त्रिवेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर देवस्थानम बोर्ड होता तो फिर नया जोशी मठ बसाने में दिक्कत नहीं होती, फैसला सही था, समझा नहीं पा जनता को। देखिए तिलक जी, आप त्रिवेंद्र रावत जी कह रहे हैं कि जो है अगर बोर्ड होता तो आज जो है राजस्व की कमी नहीं होती, लेकिन त्रिवेंद्र जी को ये ध्यान उस समय रखना चाहिए था जब वो जो है बोर्ड का प्रस्ताव लेकर के आए थे, तब उन्होंने जो उसके सभी पक्ष थे, जो वहाँ के हक हकूकधारी थे, जो बंडे पुरोहित थे या विपक्ष थे, किसी से भी विचार विमर्श नहीं किया और बोर्ड थोप दिया था, जिसका पूरे प्रदेश के अंदर भारी विरोध हुआ और अंतोगत्वा उसको वापिस लेना पड़ा। तो कोई भी चीज है लोकतंत्र में अगर सर्वसम्मति से अगर आए तो तभी जाकर के वो सफल होती है। और दूसरा तिलक जी, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है या चार धाम विकास परिषद या पर्यटन विभाग, क्या इतने पंगु या इतने अक्षम है कि वो आज चार धाम का जो राजस्व उसको नहीं चढ़ा पा रहे हैं, ये सरकार की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं बीसी? फिर सरकार को इन अमेंडमेंट करके इनको प्रभावशाली बनाना चाहिए और नहीं सुधार करके सरकार। अब इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत? तिलक जी आपको क्या लगता है क्यों दे रहे हैं इस तरह के बयान? हेलो शीशपाल जी, आपको क्या लगता है क्यों दे रहे फिर त्रिवेंद्र इस तरह के बयान? देखिए ये तो त्रिवेंद्र जी ही बता सकते हैं कि वो इस प्रकार के बयान क्यों दे रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनको इस बारे में सोचना चाहिए था, और अगर आज भी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार को लेकर आती है तो कांग्रेस पार्टी का यही सुझाव होगा कि आपको इसके सभी स्टेक होल्डरों से बात करनी चाहिए, पंडित पुरोहितों से बात करनी चाहिए, और जो भी इसके पक्षकार हैं सभी से अगर सर्वसम्मति से कोई फैसला सरकार लेगी तो तभी जाकर वो जनता उसको स्वीकार करेगी। और तभी वो फिर उसके बाद एक और जिस बयान का जिक्र कर रहा हूं मैं, शीशपाल जी कह रहे हैं कि इस तरह का सुझाव कहीं ना कहीं कुछ संकेत दे रहा है, कौन सा संकेत दे रहा है उमा जी? देखिए मैंने तो पहले भी एक बात कही है, इस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अपनी सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं या अपना दुख प्रकट करते रहते हैं, क्योंकि सरकार ने बीजेपी ने उनको बिल्कुल एक तरह से दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंका हुआ है। तो ये जो स्थिति उनकी आज अजीबोगरीब स्थिति हो गई है कि सिर्फ एक पूर्व मुख्यमंत्री का टैग उनके पास रह गया है, वर्तमान में उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो इतने इंसान अपनी जगह बनाने के लिए अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए, जैसे आपने कुमार विश्वास जी के साथ किया था वैसे ही करा इन्होंने। देखिए कुमार विश्वास जी, मैं तो सबसे पहले विपिन भाई से कहना चाहती हूँ, कुमार विश्वास जी हर जी के साथ किया था वैसे ही कराया आपने, हर चुनाव के तीन दिन पहले कुमार विश्वास जी कुछ ना कुछ ऐसी बात कहते हैं कि जैसे अभी उन्होंने पंजाब चुनाव से पहले बोला कि केजरीवाल जी खालिस्तान से संबंध है, बड़ी अच्छी बात है भाई, उनके पास कुछ ना कुछ लीड होगी, संबंध है तो उनके ऊपर जांच बिठाइए कि भाई वो बताओ वो संबंध कहाँ है, आपके पास आर्मी, आपके पास पुलिस, सीबी, सीडीआई सब कुछ है केंद्र सरकार के पास। दिल्ली के मुख्यमंत्री फैसला बताओ ना आप, अरे बात कीजिए ना, मैं आपका फैसला क्यों वापस किया बताओ, वो तो एक के साथ दो फ्री दे रहे थे, दो के साथ चार फ्री दे रहे थे, अरे कुमार विश्वास की बात कीजिए ना, एक के साथ दो, दो के साथ चार फ्री दे रहे थे, खालिस्तान से केजरीवाल के संबंध में वो सारे डॉक्यूमेंट एक मिनट। चलिए मैं मान गया कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, इस तरह के बयानबाजी बीजेपी नेताओं को असहज करती है, शीशपाल जी कह रहे हैं कि इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री को, लेकिन एक बात, ये सीरियल दिखाई दे रहा है एक के बाद एक बयान। विपिन जी आपने कहा कि मैं सुना नहीं बयान और उसका संदर्भ मैं तभी समझ पाऊंगा जब आप बयान सुनाएंगे, तो मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा विपिन जी को प्लीज बयान सुनाइएगा, और त्रिवेंद्र जी का बयान जो दो चार दिन पहले ही इंडिया वॉइस पर उन्होंने दिया वो बयान सुनिए एक बार। लोकतंत्र में सभी लोगों पे जिम्मेदारी होती है, उसमें कोई बहुत बुद्धिमान होता है, कोई कम बुद्धिमान होता है, कोई और कम बुद्धिमान होता है। अब लोकतंत्र की यही विडंबना भी है और खूबसूरती भी है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और इसलिए कई बार जो भार है ऐसे लोगों पर आ जाता है कि जो उस भार को उठाने के लायक नहीं होते हैं, तो इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। मैं समझता हूँ कि प्राधिकरण जो गठित किए गए थे उनके पीछे यही सोच थी कि उत्तराखंड एक
भूकंपीय दृष्टि से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। भूगर्भीय हालात यहाँ की बहुत अनुकूल नहीं है। विपिन जी, दोनों ही बयान अलग है। नहीं, मैं मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मैंने ना काटा ना छाटा ना तोड़ा ना मरोड़ा। सुनिए, दोनों ही बयान अलग है। एक लोकतंत्र के ऊपर है और वो सबके लिए है, किसके लिए ये बता सकते हैं। और एक उन्होंने कहा कि भार ऐसे व्यक्तियों पर आ गया, भार ऐसे व्यक्तियों पर आ गया जो उस पद के लायक नहीं थे। मैं देखिए, वो तो वही बता सकते हैं, लोकतंत्र में बोला उन्होंने कि लोकतंत्र की परिभाषा है, लोकतंत्र के अंदर है। वो जिला विकास प्राधिकरण को लेकर बात रख रहे थे अपनी। आप उनकी बातों को काट करके, आप उनके सिस्टम को काट करके कोई भी मैसेज दे दो अलग चीज है। लेकिन मैंने जितना सुना है, जितना मैंने अभी विपिन जी वो जिला विकास प्राधिकरण को लेकर बोल रहे थे, तोड़ा ना मरोड़ा। तिलक भाई, उन्होंने कहा ना कि देखिए लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की चीजें होती हैं, तो उन्होंने वो किसके लिए बोला है, क्या बोला, उन्होंने स्पष्ट भी नहीं किया। अच्छा, तो ये मतलब उनको ये भी स्पष्ट उन्हीं को करना चाहिए। शीशपाल भी इसी पहले आप, फिर उसके बाद उमा जी आपके पास आ रहा हूँ। जी तिलक जी, सुना आपने, त्रिवेंद्र जी कह रहे थे कि भार ऐसे व्यक्तियों पर आ जाता है जो उसके पद को उठाने के लायक नहीं होते। देखिए तिलक जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका कुछ ना कुछ अनुभव होगा, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, जिसके आधार पर उन्होंने ये बात की है। आज उनको राज्य में कुछ ऐसा लग रहा होगा कि जो जनता की अपेक्षाओं पर या उनकी स्वयं की अपेक्षाओं पर भी खरा नहीं उतर रहा है, और जैसा काम राज्य में होना चाहिए अगर ऐसा नहीं हो रहा है, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो विकास के मामले में हो, आप हर स्तर पर अगर सरकार फेल हो रही है और ब्यूरोक्रेसी में और जो मुख्यमंत्री के बीच में तालमेल की कमी दिखाई दे रही है, जो मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री भाषा तब भी होती थी जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री होते थे और हरक सिंह रावत ऐसे बयान देते थे कि नहीं। देखिए तिलक जी, आप ऐसा है ना कि ये चलिए ठीक है, आपको अधिकार है इस प्रकार का वो करने का, लेकिन अगर आज राज्य में कोई इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, अगर अगर कहीं दिक्कत आ रही है तिलक जी, तो क्या मुख्यमंत्री की तारीफ की है, शायद अखबार नहीं पढ़ा इन्होंने। नहीं, देखिए अगर तिलक जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को इससे खुश होने की जरूरत नहीं है, आज जिम्मेदारियां इनकी हैं। अगर आज राज्य के अंदर बेरोजगारों की आशाओं अपेक्षाओं की सरकार खड़ा नहीं हो पा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य ये है कि उनको हर समस्या में नेहरू जी दिखाई देते हैं, ये तो हर समस्या का ठीकरा नेहरू जी पर फोड़ देते हैं, इससे इनकी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती है, ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। हेलो विपिन जी, सुन रहे ना, जो बात कह रहे हो, दिक्कत तो होती है, मैं समझ रहा हूँ विपिन जी, दिक्कत होती है जब एक राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री अगर इस तरह के बयान सीरियल दे। ये तो शुक्र करिए वो आप हैं, एक ऐसा दल भी हो, वरना फिर कहते हैं कि देखो तिलक चावला एजेंडा चला रहा है, इसका बहिष्कार कर दो, हम इसकी डिबेट में ही नहीं जाएंगे। सार्वजनिक रूप से लिखित में आता है कि इसकी डिबेट में मत चले जाना, ये एजेंडा चला रहा है। अब ये नहीं बोलेंगे ये एजेंडा चला रहा है, अब नहीं बोलेंगे कि ये एजेंडा चला रहा है, वरना फिर बहिष्कार कर दो तिलक चावला का। ये बहिष्कार तो खंडूरी जी के शासनकाल में भी ना हो पाया, ना तिवारी जी के शासनकाल में। जो सत्ता में सवाल उसी से होता है, यही यही आदत है और यही मेरी फितरत है। उमा सिसोदिया पहले आप, फिर मैं विपिन जी आपके पास आऊंगा और शीशपाल जी फाइनल कमेंट। त्रिवेंद्र भाई के लिए मैं सिर्फ एक शेर कहना चाहूंगी, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। अभी अरमान अभी बाकी हैं, उनको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दीजिए, अभी यंग है आपके लिए, बीजेपी बहुत काम किया। अभी जब वो स्वयं सेवक थे उसमें भी हमें मालूम है, क्योंकि मेरे पापा भी आरएसएस में थे तो हमें तो मालूम है त्रिवेंद्र जी। अच्छा, तो आप पुराने संगी हैं? मेरे पिताजी पुराने संगी हैं, उसमें मुझे कोई। अच्छा, ओके ओके, वरना हाँ मैं तभी कहूँ, ये शीशपाल जी ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है, प्लीज कंटिन्यू। बहुत अच्छी, फिर आप सतपाल महाराज और उनकी पत्नी को क्या बोलेंगे जो रात को एक ही घर में रहते हैं? मैं तो फिर भी मेरे पिताजी और मैं मतलब दूसरी पार्टी में पापा तो खैर नहीं रहे।
आप बताइए ना, सतपाल महाराज और उनकी पत्नी को क्या देंगे? बहुत सारे उदाहरण हैं इस देश में, बहुत सारे उदाहरण हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कि आप पुराने संघी हैं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उस समय आम आदमी पार्टी नहीं थी, मेरे पिताजी संघ के पदाधिकारी थे, इसमें मुझे कोई शर्म की बात नहीं है, उन्होंने काम किया। बहुत अच्छी बात है, आपने सार्वजनिक रूप से बोला, बहुत अच्छी बात। नहीं उस समय उनका, देखिए उनकी वो आज भी, मैं बिल्कुल इस बात को कहती हूँ, जब मेरे पिताजी अब नहीं है, लेकिन लास्ट तक वो संघ में काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, वो उनकी आइडियोलॉजी थी, हमारी आइडियोलॉजी आम आदमी पार्टी के साथ है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी जो है एक अपने कार्यकर्ता को अगर इस तरीके से उन्होंने, कहते ना, बर्फ में लगा रखा है, बिल्कुल एक दूध में से मधु में करो ना, तो भाई तो बर्फ में क्या, आपने तो तालाब में ही डुबा दिया भाई को, चंद्रभूषण को डुबा दिया, उनके बेटे को डुबा दिया। आप अपने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को आपके साथ ले रहे हैं, आपके 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 प्रदेश अध्यक्ष भाग गए उत्तराखंड से, आपके प्रदेश अध्यक्ष चले गए उत्तराखंड से, तमाम आम आदमी पार्टी का कुछ रहा नहीं उत्तराखंड के अंदर, अपनी पार्टी तो समझ नहीं रही, दूसरी की पार्टी कहाँ चले गए आपके प्रदेश अध्यक्ष? तुमने चेहरा लड़ा था, इस देश में तुमने चुनाव लड़ा था, बड़ी बड़ी भाषण कर रही थी आप टीवी में बैठे, आपने कहाँ चले गए? आपने कहाँ गए? अच्छा विपिन जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं शीशवाल जी के पास जाऊँ। विपिन जी आपको लगता है कि त्रिवेंद्र जी को ऐसे बयान देने चाहिए या ऐसे बयानों से बचना चाहिए? देखिए तिलक भाई उनकी निजी राय है, त्रिवेंद्र जी पूर्व मुख्यमंत्री है, वरिष्ठ नेता, उनको जो लगता है वो बोलते हैं, उनकी अपनी निजी राय, सही बोलते हैं ना, पार्टी की अपनी राय है, सही बोलते हैं, पार्टी की अपनी राय है, पार्टी का अपना सिस्टम है। अब त्रिवेंद्र जी बता सकते हैं कि सही बोलते हैं गलत बोलते हैं, तो त्रिवेंद्र जी बताएंगे। अच्छा आप नहीं बताएंगे? त्रिवेंद्र जी बताएंगे ना, त्रिवेंद्र जी ने बयान दिया है, मैं तो अपने बयान के लिए बोल सकता हूँ, पार्टी के बयान के लिए बोल सकता हूँ। अच्छा वो पार्टी का बयान नहीं है, वो त्रिवेंद्र जी का बयान है। ओके ओके ओके, हमारी फजीहत हो जाती है टीवी पर। विपिन भाई आज आप उनको समझा कर आइए कि भाई जरा बोलने से पहले मेरे प्रवक्ताओं की आफत आ जाती है। आप उनको समझा दीजिए ना केजरीवाल जी को, जब कहते हैं कि स्वर्य से शीशवाल जी अभी एक एक लेटेस्ट खबर दूंगा, एक लेटेस्ट खबर, एक बड़ी दिलचस्प खबर है उत्तराखंड के इतिहास से, बहुत दूर से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है उसका पूरा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शीशवाल जी फाइनल कमेंट आपका, आपको लगता है कि त्रिवेंद्र जी रोज इस तरह के बयान देंगे तो आप लोगों के दोनों हाथों में लड्डू होंगे? नहीं देखिए त्रिवेंद्र जी राज्य हित के मुद्दों को चाहे कोई भी उठाए, जो बेरोजगारों की आवाज को या राज्य में कहीं भी भ्रष्टाचार की आवाज को अगर कोई भी उठाता है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे विपक्ष हो या जनता का कोई भी सामाजिक संगठन हो, तो निश्चित तौर पर ये आवाज उठनी चाहिए, और सरकार की जो कमियां हैं अगर उनको उजागर कर कोई भी करेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार की बात को उठाया तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑडियो में दिक्कत आ रही है, लेकिन एक एक दिलचस्प खबर देता हूँ, एक बिल्कुल लेटेस्ट खबर, दिलचस्प खबर सुनिएगा उमा जी, विपिन जी के घर से ही है, और ये ठीक वही वाला कनेक्शन है जिस कनेक्शन से, हाँ महाराष्ट्र वाला। विपिन जी कोश्यारी जी ने इच्छा जाहिर की है राज्यपाल का पद छोड़ने की प्रधानमंत्री जी से, समझ रहे हैं आप? वापिस आ रहे हैं कोश्यारी जी, आए तो वो तो हमारे नेता हैं। हाँ तो मैं तो आपसे कह रहा हूं सर, आप गलत दिशा में क्यों ले जा रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि हो सकता है कोश्यारी जी वापिस आए, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल आएंगे, सम्मान उनका जो सम्मान है कोश्यारी जी का प्रदेश, वो तो रहेगा, सम्मान तो बरकरार रहेगा है ना, और जो कार्यकर्ताओं के नेता है तो आए उनका सम्मान। राजनीतिक गुरु, बिल्कुल दो दो धाराओं के, एक वही जो पूर्व मुख्यमंत्री, एक मौजूदा मुख्यमंत्री, बिल्कुल बहुत लोगों के सेंटर पॉइंट, हम तो खबर की तह तक जाते हैं विपिन जी, मालूम है ना सेंटर पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल राजनीतिक गुरु, वो बहुत लोगों के राजनीतिक गुरु जी, बिल्कुल कार्यकर्ताओं के, बिल्कुल हम जैसे कार्यकर्ता, तभी तो मैंने चलते चलते इन दोनों पॉइंट पर आकर सेंटर पॉइंट पर आ गया कि कोश्यारी जी जल्दी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन कैंथोरा जी, आपका भी, उमा जी आपका भी, और शीशपाल जी आपका भी। तो बयान पर बखेड़ा, अब सवाल यही कि आखिरकार अब नया बयान कौन सा आएगा, एक के बाद एक बयान बीजेपी को मुश्किल में डाल रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।